और डालना पानी। हाँ डालो बस। वैसे तुम्हारे पेट में दर्द नहीं हुआ? ठीक है। गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? तो अभी सुबह के 4 बजे और हम सहरी के लिए उठ चुके हैं भाई। वैसे आप सबको पहला रोजा, पहली सहरी मुबारक हो। यहाँ पे मम्मा पराठे बना रही हैं, जो कि बहुत ही मजे के बन चुके हैं पराठे। तो हम आज शामी कबाब लेके आए और एग्स लेके आए, लेकिन एग्स पापा मना कर रहे हैं भाई, तो इनको भाई फ्रिज में रख देते हैं। बाकी यार ये शामी कबाब फ्राई करते हैं। तो गाइस सहरी बन चुकी है, अभी बस स्टार्ट करेंगे सहरी। मून को नहीं उठाया ना? नहीं। क्यों नहीं उठाया? मून को उठाना है क्या? नहीं नहीं, उसकी नींद खराब हो। खैर गाइस सहरी करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। तो गाइस अभी सब ने सहरी कर लिया, शारा बमार गए नमाज़ पढ़ने, अभी मैं भी नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। नमाज़ पढ़ के तिलावत करेंगे, फिर भाई सो जाएंगे, फिर उठेंगे 12 बजे, क्योंकि पूरी रात हम सोए नहीं है इसी वजह से। हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सब? और आज पहला रोजा है, बहुत जबरदस्त गुजर रहा है हमारा। हाँ। तो थोड़ी सी गर्मी है और अभी तकरीबन 2 बज रहे हैं, क्योंकि नमाज वगैरह पढ़ के तलावत करके अभी हम फ्री हुए हैं। तो कल हम कुछ भी नहीं ले पाए, क्योंकि गैस की टेंशन थी और भी बहुत सारे मसले थे, इसी वजह से अभी हम जा रहे हैं इफ्तार की शॉपिंग करने। वो भी आइडियल में जाएंगे और मून अभी लिस्ट बना रहा है, तो जल्दी जल्दी मून लिस्ट बनाओ। आप चीजें बताओ तभी तो बनाऊंगा ना। बता दीजिए जल्दी, मून लिखता जाए। बेसन, मैक्रोनी, स्ट्रॉबेरी, लेमन, फ्रोजन समोसा लिखो। फ्रूट चाट बनाओगे आज? क्या पता बनाएंगे। फ्रूट वाटरमेलन तो ला रहे हैं। हाँ ठंडा वाटरमेलन, चना चाट वाला वो जो पाउडर होता है, क्या कहते हैं उसे? चाट मसाला। चाट मसाला। मून सबसे मेन चीज तो भूल ही गए। क्या? डेट्स, खजूर। जल्दी लिखो यार, खजूर के बिना कैसे हम इफ्तार। अजवा खजूर, कोई भी खजूर। तो गाइस हमारी लिस्ट बन चुकी है, अभी चलते हैं मून। अमार तुम नहीं चलोगे? नहीं यार रोजा लगा है। हद होती है अमार, रोजा कहाँ से लगा है? मुझे तो नहीं लगा। बस यार वो देखो पानी पड़ा है ना, उसकी वजह से पता नहीं क्या हो रहा है। पागल हो यार तुम। भाई आइडिया में इतना रश होए, बड़ी मुश्किल से बच के निकले हैं यार। पापा अभी बिलिंग करवा रहे हैं, तो मैंने मून को बोला कि मून चलो, वैसे ही इतनी गर्मी अंदर मर जाएंगे हम तो। पहले रोज़ा नहीं लग रहा था, अभी रोज़ा लग रहा है मुझे, इतनी घुटन थी अंदर। तो इसीलिए कहते हैं कि रमज़ान से हफ्ता पहले शॉपिंग करनी चाहिए। मून और मैं पसीना पसीना हो गए। गाइस अभी हम आए हुए हैं मेन्यू पे, जहाँ पर फ्रोजन चीज़ें मिलती हैं, तो भाई देखते हैं अभी क्या क्या इनके पास पड़ा हुआ है। वैसे इनकी चीज़ें बहुत बेस्ट हैं यार, हमने हर चीज़ ट्राई की हुई है। ये तो रोल, चिकन पकौड़े, ये तीनों चीज़ें ले लो। ये ले ले। क्या है? टिक्का टॉपिंग है। चलो ले चिकन ले ना। चिकन होता है, पिज्जा वगैरह की टॉपिंग होता है। प्राइस क्या है इसकी? ये 800 समथिंग है। तो गाइस ये चीज़ें भी हो गई, अभी चलते हैं भाई फ्रूट शॉप पे, क्योंकि अभी बस फ्रूट ही रहता है, बाकी तो सारी चीज़ें हमने ले ली हैं। अभी चले पापा फ्रूट शॉप पे। तो गाइस ये आप लोग एरिया देख सकते हो, बाकी जो गुलशन नदी के रहने वाले हैं उनको पता चल जाएगा ये कहाँ पे। यहाँ पे तो बहुत सारे तरबूज पड़े हुए हैं। ये वाला बहुत बड़ा लग रहा है, ये वाला तरबूज स्ट्रॉबेरी भी लेनी है मम्मा ने बोला। हाँ ये तो खराब है। So we can do my place. Maybe we can try meeting up by 7. You'll be taking over, so it's good. तो गाइस घर आ गए, बस अभी असर की नमाज का टाइम हो गया, तो अभी मैं नमाज पढ़ूंगी। मम्मा तो शुरू भी हो गई है। मैं डॉजिंग कर रही हूँ भाई, यहाँ वहाँ घूम रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे रोज़ा लगना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि बाहर से घूम के आई हूँ, तो इसी वजह से बाहर गर्मी बहुत थी। और आपको पता तो है कि कितना रश था भाई, आइडियल में हालत टाइट हो गई ना, ऐसी थी ना कुछ था, पता नहीं क्या मसला ऐसी क्यों नहीं था, मुझे क्या पता। अभी ये तो आइडियल वालों को पता ना, मुझे क्या पता। तो अभी तक आपने अगर मेरा व्लॉग लाइक नहीं किया लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम जल्दी जल्दी ग्रो करें भाई, जल्दी जल्दी। सही है,
वैसे यार अच्छी लग रही है दुपट्टे में। तो हमारे पड़ोसियों के घर से इफ्तार आई है, देखते हैं क्या दिखे जाए। यार ये वैसे अच्छी बात है यार, इसमें शरबत है, इसमें फ्रूट, इसमें पकौड़े, इसमें चाट। जल्दी करो, खाली करो, और इनकी एक और प्लेट है जो घर पे पड़ी हुई है, वो भी इनको देनी है। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे रमज़ान में लगती है ना, वो यही लगती है, अफ्तार का लेन देन। हाँ, खजूर भी रखी जा रही है। बाकी यार शरबत हमने नहीं बनाया, शरबत अगर बना होता ना तो शरबत भी बेचते हम, लेकिन बना ही नहीं, नहीं डालो जल्दी जल्दी। और डालना पानी? हाँ डालो, बस हो गया। हो गया जी, जाओ देख क्या। चलो तो गाइस हमारे इफ्तार का टाइम हो गया और अमार से वेट नहीं हो रहा। नहीं भाई, तुमसे वेट नहीं हो रहा। सबसे पहले आके दस्तरखान पे बैठ गए। नहीं जी, पापा पहले बैठे थे, मोहन भी बैठा था, फिर मैं आया। वैसे यार कितना टाइम रहता है बताओ तो जरा। 3 मिनट, बस 3 मिनट रहते हैं यार। उसे गधे को तो उठाओ ना। अशरफ हाँ इधर आ जा, टाइम नहीं है। हाँ वैसे यार मैं आप लोगों को अपनी इफ्तारी दिखा दूँ। हमने बनाई है मैक्रोनी, पकौड़े, समोसे, रोल, तरबूज, ये चाट तो उनके घर से आया है। बाकी ये चीकू काटे हैं क्योंकि चीकू मुझे बहुत पसंद है। हाँ। और पापा को प्यास बहुत लगती है, इसी वजह से दो दो तीन तीन देखती हैं पापा ने इकट्ठी की हुई है। रू अब जाओ, ये देखो फोटोज देखो, नींबू पानी बना। गिलास तो उठा ही नहीं, पागल इंसान, किधर है गिलास? जाओ अभी तुम उठाओ, हमने बहुत काम किया। मारो मेरे को रोजा लगा है यार, मार देखो। एक जगह पर बैठा हुआ था पूरा दिन, वो बोल रहे रोजा लगा। गिलास चाहिए था ना, ये लो मेरा तो गिलास आ गया। यार दुआ मांगो, सब जल्दी करो, अजान होने वाली है, जल्दी दुआ मांगो। अल्लाह ताला हमारा रोजा कबूल कर दे। 2 मिनट है। अब शरब तुम्हारा तो कबूल नहीं होगा। हाँ, नमाज ही नहीं पढ़ी इसने, नमाज ही पढ़ी है, नमाज नहीं पढ़ी, तुम्हें पता है मेरे पढ़ी नहीं, झूठ बोल रही है। बात करनी चाहिए पाके वाली नमाज, ये पाका खाता है, रोजा नहीं रखा। वैसे तुम्हारे पेट में दर्द नहीं हुआ? नहीं, मैंने थोड़ा सा खाया है। हाँ, थोड़ा सा खाते हैं ताकि पेट में दर्द ना हो। हाँ। और ज्यादा मीठा पानी पीने से पेट में दर्द होता है। हाँ। तो अभी हम मीठा पानी कम पीते हैं, पापा पीते हैं, तो अभी पापा को पेट में दर्द होने वाला। हाँ। है और बाकी जो चीजें बच गई है जो अभी तक हमने नहीं खाई, वो आहिस्ता आहिस्ता 3 बजे तक हम खाते रहेंगे। हाँ, ये अभी जिमिंग करने जाएंगे, जिमिंग से वापस आगे पर खाते रहेंगे। हाँ, अभी नहीं जाएंगे जिमिंग करने, अभी मगरिब की नमाज पढ़ के आधा घंटा वेट करेंगे, उसके बाद जाएंगे तरावी पढ़ने, तरावी के बाद फिर जाएंगे हम जिम। सही है। तो गाइस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, हमारे मगरिब का टाइम जा रहा है भाई, नमाज का जल्दी खत्म करते हैं। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो हम मिलेंगे आपसे दोबारा शहरी में अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए पीस। ऐसे मरे हुए लहजे में क्यों बात कर रहे हो? रमजान मार खो गए, तुम चुप ही करो तो अच्छा है।